हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ा सकते हो। सभी ब्लॉगर्स चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, लेकिन जैसे ही वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आता है। तो अगर आप अभी नया नया अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि तुरंत से हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कम ही चांस होते हैं, बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें तुरंत ही ट्रैफिक आने लगता है। लेकिन देखो, एक वेबसाइट को सेटअप करने में टाइम लगता है, उस पर कॉन्टेंट डालने में टाइम लगता है और उसके कॉन्टेंट को इंडेक्स होने में गूगल में थोड़ा समय लगता है। तो इसके लिए आप ये पहले ही मत सोच लो कि तुरंत जैसे ही वेबसाइट बना लिया तुरंत ही हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको बेसिकली पहले काम करना होता है। पहले काम करो, वेबसाइट को सेटअप करो, अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल डालो और उसके बाद जब आपके पोस्ट गूगल में इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगे उसके बाद आपको ट्रैफिक मिलती है। तो इन सभी प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे अच्छे से ट्रैफिक आए, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो देखो, सबसे पहले ओवरऑल तो आपको वेबसाइट वगैरह बनाना ही बनाना है, उस पर कॉन्टेंट डालना ही डालना है, उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रैफिक के बारे में सोच सकते हैं। तो कैसे आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को बढ़ा सकते हो उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। मैं आपको 5 ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो डेफिनेटली वर्क करेगा और ईजिली आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला पाओगे। इसमें देखो, कुछ तरीके जो मैं बता रहा हूँ वो सोशल मीडिया का यूज करके होने वाला है, कुछ तरीके ऑर्गेनिक आपको मिलेंगे जिससे ऑर्गेनिकली आपको ट्रैफिक मिलेगा। ओवरऑल अगर अपनी ट्रैफिक को आप बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहना। देखो, अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है तभी आप ईजिली गूगल एडसेंस से पैसे अर्न कर सकते हो। अगर अपनी वेबसाइट पर आप ट्रैफिक ही नहीं ला पा रहे हो तो पैसे कमाने के बारे में अभी आप छोड़ दो, क्योंकि ट्रैफिक नहीं रहेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है भाई, ट्रैफिक बढ़ाओ और ट्रैफिक बढ़ने के कारण ही आपकी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाता है। ट्रैफिक अगर आपकी साइट पे है तो इजी अप्रूवल होता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कॉन्टेंट देखना पसंद है तो ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट कर दो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी दोस्तों मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और ये हमारा चैनल है, तो जाके जरूर एक बार विजिट करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। देखिए, मैंने यहाँ पे माइंड मैप क्रिएट किया है आपको समझाने के लिए ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाएं। तो यहाँ पे देखिए, वेबसाइट ट्रैफिक को इनक्रीज करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है वो है दोस्तों गूगल डिस्कवर। अभी के टाइम पे आप अगर नई वेबसाइट को भी बना रहे हो और 1 से 2 महीने काम कर रहे हो अच्छे से ना, तो आप गूगल डिस्कवर में जा सकते हो, आपके पोस्ट जा सकते हैं गूगल डिस्कवर में और वहाँ से आपको बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सकता है। और गूगल डिस्कवर से देखो, जो भी ट्रैफिक आता है ना वो ऑर्गेनिक ही काउंट होता है। तो गूगल डिस्कवर में आप कैसे जा सकते हो, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, मैंने गूगल डिस्कवर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि पूरा देखो वो ओवरऑल पूरा गूगल डिस्कवर के ऊपर ही है। देखिए, ये वाली वीडियो है और इस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को देख लोगे ना तो डेफिनेटली आप गूगल डिस्कवर में जा सकते हो और आप अच्छा खासा ट्रैफिक वहाँ से ड्राइव करके गूगल एडसेंस से आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। तो ये वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आई बटन पे है। अब देखिए, पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। ये तो गूगल डिस्कवर के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं जिससे आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। अभी देखो, दूसरा पॉइंट है ना, इंस्टाग्राम रील्स। जी हाँ, अगर आप अपने कंटेंट से रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मैं मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर कंटेंट डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर और मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड मेरा यहाँ पे एक वेबसाइट है, तो मैं वहाँ पे अपनी वेबसाइट को इंस्टाग्राम पर, जैसे ये इंस्टाग्राम है तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को मेंशन करता हूँ उस रील्स में, जो भी रील्स में डाल रहा हूँ उस रील्स में मैं अपनी वेबसाइट के बारे में बताऊँगा, तो वहाँ से मुझे बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। देखो, इंस्टाग्राम रील्स ना देखो मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं, लाखों में आ जाते हैं, इजीली आ जाते हैं। अगर आप 10 वीडियोज भी डाल रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, एक अच्छा सा मतलब शॉर्ट वीडियो अच्छे से बनाकर, तो डेफिनेटली वो लाखों में जाएगा और वहाँ से आपको बहुत ही अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। ये 100% जेन्युइन चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, लिंक आपको अपने बायो में, जैसे मैंने यहाँ पे अपना लिंक दिया है यूट्यूब चैनल का बायो में, वैसे आपको लिंक देना है अपनी वेबसाइट का या अपने वेबसाइट के पोस्ट का, जो भी आप जिस पे भी ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हो।
तो ये काम आपको करना है, ठीक है। रील्स जरूर बनाना है अगर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हो, तो ये इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट है रैंक ऑन गूगल। तीसरा तरीका है कि आप ऑर्गेनिकली गूगल में रैंक करो। कैसे रैंक कर सकते हो उसके ऊपर मैंने भी अभी कल ही वीडियो बनाई है कि कैसे आप गूगल में रैंक कर सकते हो। अभी देखो मैंने कल जो वीडियो ये बनाई थी इसमें मेरे बहुत सारे आर्टिकल टॉप पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं, फीचर्ड स्निपेट में रैंक कर रहे हैं। मैंने पूरा प्रूफ के साथ बताया कि कैसे आप गूगल में रैंक कर सकते हो। सो ये वीडियो आपको देखना है। देखो मेरे चैनल पर ना कि मैं वीडियो सभी चीज़ों के बारे में बता दिया हूँ लेकिन यूजर वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो इसके लिए मुझे ये फिर से बताना पड़ता है कि यार ये वीडियो देखो, इससे आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक भी कर देना यार, ठीक है। तो ये वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप गूगल में रैंक कर सकते हो और ऑर्गेनिक ट्रैफिक वहाँ से ड्राइव कर सकते हो। तो मैंने अभी तक तीन चीज़ें बताई हैं, गूगल डिस्कवर, इंस्टाग्राम रील्स और आपको ऑर्गेनिकली गूगल में रैंक करना है अगर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को बढ़ाना चाहते हो। चौथा नंबर है कलेक्ट सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, आपकी वेबसाइट पे जितने भी फॉलोअर आ रहे हैं, जितने भी यूजर आ रहे हैं, उन्हें कलेक्ट करिए। अब कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप देखो दो चीज़ों से कलेक्ट कर सकते हो। एक तो वेब पुश नोटिफिकेशन का इस्तेमाल कर लो, वहाँ से यूजर सब्सक्राइब कर लेगा, वहाँ से कलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि टेलीग्राम चैनल का आप यहाँ पे ना पॉपअप बना सकते हो अपनी वेबसाइट के सभी पोस्ट पर कि यूजर वहाँ से आपकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब टेलीग्राम चैनल पे जब लोग ज्वाइन हो जाते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ से जैसे ही आप कोई पोस्ट जैसे ही पब्लिश करते हो और वहाँ पे शेयर कर देते हो टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आपको इंस्टेंट ट्रैफिक मिलता है, इंस्टेंट नोटिफिकेशन जाता है और इंस्टेंट ट्रैफिक आने लगता है। और इसकी वजह से जो सब्सक्राइबर आपने कलेक्ट किया है, वहाँ से जो यूजर तुरंत तुरंत वेबसाइट के पोस्ट पे आ रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके पोस्ट गूगल डिस्कवर में चले जाते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप ये काम जरूर करना। तो कलेक्ट करो अपने सब्सक्राइबर को और यहाँ से तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इसकी वजह से गूगल डिस्कवर से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो ये चार पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट है आप बैकलिंक्स बनाओ। देखो यार, अगर आप बैकलिंक्स नहीं बना रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो बैकलिंक्स हमेशा से रैंकिंग फैक्टर रहा है और बैकलिंक्स हमेशा रैंकिंग फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो बैकलिंक्स बनाओ ताकि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़े और गूगल आपकी साइट पर ट्रस्ट कर पाए, ताकि आपके आर्टिकल और भी तरीके से गूगल के टॉप पोजिशन पर रैंक करे। तो बैकलिंक्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंटेंट तो आपका अच्छा होना चाहिए लेकिन बैकलिंक्स भी बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये पांच पॉइंट्स हैं जो आप फॉलो करो और डेफिनेटली आपको ट्रैफिक मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो थोड़ा सा भी, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना। जो भी डाउट है आप कॉमेंट करके यहाँ पर पूछ लो मुझसे, मुझे खुशी होगी उसका रिप्लाई करके। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना यार, काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियोज़ को बनाने में, एडिट करने में, शूट करने में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।